हेलो गाइस वेलकम टू इंडियन फुटबॉल अरीना आई एम बिपिन पांडे एम बैक और इस सीज़न की शुरुआत करते हैं इस सीज़न के कैलेंडर के साथ और ये सीज़न पिछले सीज़न से काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस सीज़न हर टीम हर आईएसएल टीम मिनिमम ट्वेंटी एट खेलेगी और ये काफ़ी अच्छी खबर है सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जस्ट डिस्कस कि हमारा जो इंडियन फुटबॉल का कैलेंडर है वो इस सीज़न किस तरीके से दिखाई देगा सो so, हमारा कैलेंडर स्टार्ट होगा ड्यूरेंट कप के साथ ड्यूरेंट uh, कप अगस्त uh, अगस्त में स्टार्ट होगा अगस्त पंद्रह को और हर आई टीम को मिनिमम चार गेम्स खेलने को खेलने का मौका मिलेगा ड्यूरेंट कप में और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि सारी की सारी आई टीम्स अपनी मेन टीम्स को ले जाके खिलाएं ड्यूरेंट कप को ना कि पिछले सीजन की तरह अपने यूथ टीम आ या फिर अपनी रिज़र्व टीम को खिलाएं। ड्यूरेंट कप प्री सीज़न टूर्नामेंट की तरह के तौर पे खेला जाएगा और उसके बाद स्टार्ट होगा आईएसएल। आईएसएल स्टार्ट होगा अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक सो इस बार आईएसएल का भी थोड़ा फॉर्मेट चेंज हुआ है सो पहले 11 टीमें पहले 20 मैचेस खेलेंगी लीग लीग में लीग खत्म होने के बाद टॉप फोर टीम्स की बजाय टॉप सिक्स टीम्स सेलेक्ट होंगी आगे नेक्स्ट uh, राउंड्स के लिए so, uh, सो जो टॉप टू टीम्स हैं वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगी सेमीफाइनल्स के लिए और जो बची हुई छः टीम चार टीमें बचेंगी वो एक दूसरे के साथ प्ले uh, ऑफ खेलेंगी और वो मैच जो जीतेगा बाकी की दो टीमें जो जीतेंगी वो क्वालिफाई करेंगी सेमीफाइनल्स के लिए सो so, इससे क्या रहेगा कि नीचे की दो टीम्स जो हैं फिफ्थ और सिक्स नंबर की टीम हैं उनको भी मौका मिलेगा एक चांस रहेगा आईसल जीतने का और वो थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा प्लस थोड़े से मैच और ऐड कर देगा आईसल में आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट चेंज इन द लीग और आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा इंडियन सुपर लीग को आईसल के ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होगा सुपर कप uh, सुपर कप में ग्यारह आई एस टीमें होंगी और नौ आई की टीमें होंगी और उसमें भी मिनिमम हर टीम को आ, हर टीम को मिनिमम चार मैचेस खेलने का मौका मिलेगा और अगर कोई टीम ऑब्वियसली आगे वाले स्टेज़ में क्वालिफाई करती है तो मैचेस बढ़ेंगे एंड जो कि काफ़ी अच्छी बात है इसके साथ साथ एफ चैम्पियंस लीग के लिए भी प्ले खेले जाएंगे और एफ कप जो जिसके लिए जो ए टी के मोहन बगान खेलेगा सो आई थिंक उसमें ज, इसमें भी जितने मैचेस जितना का, आगे क्वालिफाई करता है तो कुछ मैचेस ए टी के मोहन बगान को एक्स्ट्रा मिलेंगे खेलने के लिए सो so, ये है हमारा सीज़न 2022-2023 और ये सीज़न पिछले सीजन से काफ़ी लंबा होगा प्लेयर्स को कुछ थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा ज़्यादा गेम टाइम मिलेगा और ये सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंडियन प्लेयर्स के लिए क्योंकि ट्वेंट में हम एफ सी एश हम एशियन कप खेलेंगे और uh, और क्योंकि uh, हमारा जो ग्रुप है आई डोंट थिंक कि हमको इजी एक, एक एक ग्रुप मिलेगा तो हमको हमारे प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा मैच रेडी रहना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा फिट रहना पड़ेगा अगर उनको कोई अच्छा रिज़ल्ट निकालना है एफ सी एशियन कप में पिछली बार से बेटर करना होगा और उसके लिए ये सीज़न काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है सो वॉट आर योर थाट्स इन दिस गाइज एंड हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो Comment down below and I'll see you in the next video. Till then, bye bye.